हेलो एवरीवन, हटा लो यार, हटा लो, नहीं दाब लगे प्लीज। हेलो एवरीवन, पहले तो आप चने खा लो। देखो मेरा सिंदूर फैला दिया इसकी वजह से आपने, देखो देखो अभी अभी लगा का इतना गिल्ला था इस वजह से फैल गया। चुन्नी तो फैला होगा, चुन्नी आगन सरक गई होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो आज का जो ये ब्लॉग है ये शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे से। अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी सोया चाप रेसिपी, तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बाय द वे मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इस चीज का, आज मैं सेकंड टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही मेरी बहुत अच्छी बन गई थी। मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी तब, तो मैंने सोचा चलो जब अच्छी बनी गई है तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। पहली बार में जो है ना मेरा व्लॉग कम्प्लीट हो चुका था जिस दिन फर्स्ट डे बनाई थी। क्या हो गया निश्चय मत रोक बेटी, ड्रामे देख लो भाई हमारे घर में, तो इसके ड्रामे पूरे नहीं होते। देखो देखो कैसे पसर रहा है। मामा कलो मामा करो, मामा करो, मामा मामा मामा, पापा को मामा करो। मामा रुस्सा बैठा है, कुछ ना करता। पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? मामा पापा कहाँ है? मामा रुस्सा कर रहा है बाहर जाने के ऊपर। चलो निश्चय, इसका तो तेल भी सूख गया बालों का, रो रो सारी दोपहर होगी। भाई चोर ने हमारा जीना हराम कर रखा है, अपना तो नींद काढ़ ले पहले। 12 बजे सो जाएगा, सॉरी 12 बजे सो कर उठ लेगा, 9 बजे सो जाएगा, 10 बजे सो जाएगा, और फिर सारी दोपहर हमने दुखी रखा है। और ये देखो मेरे इतनी जक रहे, ये पिंपल जब भी मेरा हो जाए ना, मैं जब भी फोड़ लू और उसके अब की बार ये निशान से हो गए। नहीं बेटी असली में नहीं काट देगा, देखना अपने पापा के, देखो आगे कपड़ा लगा देगा। पापा मैं आपके घर पे कटिंग करूंगा। निश्चय क्यों कर रहा है घर पे कटिंग, एक बार इन सबको बताइयो। क्यों पापा के पैसे वेस्ट होते तो बचा रहा हूं। आप भी किसा कपड़ा लगा के बैठे हो? चक्कर में ना भाई अपना यहाँ तेल गरम हो गया पूरा का पूरा, और मैंने अभी तक ये भी नहीं देखो, तो मैं आपको बैक कैमरा से अपनी रेसिपी दिखाती हूँ। मैंने चाबी नहीं देखी, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट खोल लिया था की भी हमने ही ना ताले वाले बंद करके रखने पड़े क्योंकि तृष्ण फ्रिज खोलना आ गया। तो जब आप मार्केट से लेके आते हो ना तो आपको कुछ इस तरीके की ये चाप मिलती है। मैं 3-4 दिन पहले आई थी मेरे पास, तो 4 तो मैंने उस दिन बना ली थी, 4 आज बनाऊंगी। तो चाप को निकालने के बाद ना मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है, और जब इसको स्टिक से आप निकालते हो ना तो फिर काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब कि खूब जोर लगा के तब निकालनी पड़ती है ये, वरना मतलब इसमें रखे रखे लगे लगे ये फ्रिज में काफ़ी टाइट हो गई थी। जिस दिन आई थी उस दिन थोड़ा कम थी, उस दिन भी ऐसी ही थी बट इससे थोड़ा कम थी। तो स्टिक से रिमूव करने के बाद अब जो है ना इनका जो एक्स्ट्रा अंदर इनके पानी ना चला गया हो वो एक बार मैं हाथ से इस तरीके से दबा दबा के निकाल लूँगी, और ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। आप देखना, मतलब बहुत ही बढ़िया रेसिपी जिसको कह सकते हैं ना वो बन के तैयार हुई थी। पनीर को भी फेल कर देने वाली डिश ये मुझे लगी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। बाहर से तो जो है ना बहुत बार मंगाते हैं, बहुत बार खाते हैं, लेकिन इस बार जो मैंने ट्राई किया कि चलो घर पर भी एक बार ट्राई करते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छी बनी। बनाने से पहले मुझे भी डर लग रहा था, हो सकता है आप में से भी कई लोगों को जो है ना डर लग रहा हो कि पता नहीं घर पे बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन बन जाती है बहुत इजीली। ऐसा कोई मतलब इसमें वो नहीं है कि नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के पीसेज आपको कट कर लेने हैं जैसे भी आप चाहो, छोटे बड़े। अच्छा, तो जो चाप है ना वो हमारी कट चुकी है, और मैंने तेल जो है पहले से गर्म होने के लिए रख रखा था, तो तेल अपना फ्राई हो चुका है। आप जो भी ऑयल यूज करना चाहते हैं कुकिंग ऑयल आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना मतलब 90% कुकिंग सरसों के तेल में ही करती हूँ, घर में वही ज्यादा यूज होता है, बाकी फिर देसी घी। पीसेस वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप छोटे बड़े अपने मर्जी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना आप छोटा रखेंगे उतना सही रहेगा। मतलब कि एक चाप में से आप 4 या 5 पीस तो ज़रूर कट कर लेना, क्योंकि फिर अच्छे से फ्राई भी हो जाती है, अंदर तक सिक भी जाती है, और जो मसाला होता है जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो अच्छे से अंदर तक मसाला जो है इसमें चला जाता है।
अब जो है ना हम अपना जब तक वो चाप फ्राई हो रहे हैं ना तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने के लिए, मतलब एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपने डाला और वो फ्राई हो गए। जब भी आप चाप फ्राई करोगे तो आपका जो तेल है ना वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत तेज़ जैसे धुआं निकलता हुआ गर्म भी नहीं होना चाहिए। गर्म करने के बाद आप उसको तेज़ गर्म करने के बाद और गैस को सिम कर सकते हो या फिर सिम टू मीडियम कर सकते हो और उस वाले फ्लेम पे आपको चाप को फ्राई करना है। ठीक है, होगा क्या कि अगर आप एकदम से ठंडे में डाल देते हो तो फिर आपका जो मतलब चाप है वो अंदर से तेल पी लेंगी और अगर एकदम से आप गरम में डालोगे तो वो जल सी जाएंगी, अंदर से सिकेगी नहीं। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च अपने रेडी हो गए हैं। प्याज को चॉपर में से बारीक चॉप कर लिया है और शिमला मिर्च को स्क्वेयर शेप में कट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे अब हम रेडी करेंगे अपना मसाला। तो मसाले में मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये दो तीन चीज़ें डाली हैं। अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक डाल सकते हैं, आपके पास लहसुन है तो आप लहसुन की कलियाँ अगर खाना पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ये तीन चार चीज़ें डालने के बाद आपको एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इसका, जिससे कि बढ़िया ग्रेवी तैयार हो जाएगी। क्योंकि प्याज तो हमको मतलब अगर प्याज टमाटर मतलब सारी चीज़ अगर ये पीस लेते ना तो एक अलग सा टेस्ट आता है, वो फिर शाही पनीर टाइप की ग्रेवी बन जाती है, लेकिन इसमें आपको इस तरीके की ग्रेवी रखनी है। अगर आप भी सोया चाप घर पर बनाते हैं और अगर आप का थोड़ा सा भी तरीका कोई डिफरेंट है या आप चाहते हैं कि भाई मैं इसमें कुछ चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि देखो सीखना चाहिए इंसान को, अगर आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सीखना ज़रूर चाहूँगी। तो यहाँ पे चाप अपनी फ्राई हो गई है, इसको फ्राई होने में लगभग 7 से 10 मिनट के बीच का टाइम लगता है, 7-8 मिनट तो हैं ही है कि आपको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, फ्लेम का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि एकदम तेज़ उबलता हुआ तेल या फिर एकदम ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, आप तेल को तेज़ गर्म करके और फिर गैस सिम पे कर सकते हो। ये देखो अब मैं एक बार आपको पास से दिखा दूं, क्योंकि जब मैं कढ़ाई में दिखा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये कहीं कैमरा में देखने पे ऐसे लग रहे हैं जैसे तो जल से गए हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो बिल्कुल क्रिस्पी अभी रेडी हो गए हैं, जैसे कि अब पकौड़ा उठा रहे हो हाथ में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। अभी जितना भी अपना एक्स्ट्रा का तेल था वो सारा निकाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है लगभग 1.5 चम्मच के करीब। और ये देखो अब ना सबसे पहले जो थोड़ा सा तेल हमने बचाया है उसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को जैसे कढ़ाई पनीर बनाते टाइम हम फ्राई करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए और एक क्रंची सा टेस्ट सब्जी में ऐड ऑन हो जाए। और शिमला मिर्च फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको लगेगा लगभग 3 से 4 मिनट, क्योंकि इनको हम मतलब बिना किसी चीज़ के फ्राई कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला वसाला तो डालना नहीं है ना इसमें कुछ और है, शिमला मिर्च खाली आप तेज़ गैस पे भी फ्राई कर लोगे तो भी अंदर कच्चापन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली बार बार मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि तेल का ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से फ्राई करना, क्योंकि सारी चीज़ उसी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी चाप जो है ना अंदर से फ्राई अच्छी हो जाएंगी ना तो वो एक उनकी लेयर अलग अलग खुल जाएगी और फिर उसमें मसाला एक एक चाप में चला जाएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट आएगा। फिर जब चाप के अंदर खाते टाइम मसाला आता है ना मुँह में तो स्वाद ही अलग आता है उस चीज़ का। और पहले पता है चाप देख के ना मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉनवेज कुछ है तो मैं उसकी तरफ जाती भी नहीं थी और मैं उस वाली शॉप से ना पनीर लेना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था कि अक्सर ये ना ये जो पनीर वनीर वाली डेयरी होती है उसमें ही रखा रहता था, तो फिर मुझे लगता था कि ये नॉनवेज है और ये नॉनवेज वाले पनीर भी साथ में रख रहे हैं तो मैं इनसे नहीं खरीदूँगी। लेकिन अब जाके मुझे पता चला है कि ये वेज होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है, तो तब जाके अब मैं इसको घर पे बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो खैर बाहर से ही मंगाना शुरू किया था मैंने बनाया, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि चलो ट्राई करते हैं भाई, अगर क्या पता घर पे अच्छा बन जाए तो यहीं बनाया करेंगे। फिर मैंने व्लॉग में जिक्र किया तो आप लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी शेयर करना, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस बचे हुए तेल में मैंने जीरा और हींग डाल के अपने प्याज डाल दिए हैं चॉप किए हुए, आप प्याज का साइज़ देख सकते हो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, बस पीसे नहीं है। ठीक है, प्याज को भुनने के लिए छोड़ देंगे, प्याज भुनने में देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छे से गोल्डन होने तक प्याज को आपको भून लेना है। तो कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर रेगुलर आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे प्याज का कलर देखो आप बिल्कुल लाल कर लिया है मैंने, और सिम गैस पे भुने हैं मैंने ये सारे प्याज। उसके बीच में मैंने अपने साइड बाय साइड जो काम होते हैं ना वो निपटा लिए हैं और मैंने मसाले में हल्दी डाल के थोड़ी सी
प्याज के मसाले में और फिर टमाटर ऐड कर दिया है। अब ऊपर से हम डाल देंगे इसमें मसाले। मसाले में आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं, मिर्ची डाल सकते हैं थोड़ी बहुत अगर आप खाना पसंद करते हैं तो, लेकिन मैं थोड़ी सी कलर वाली मिर्ची डालूंगी जिसको कि कश्मीरी लाल मिर्च बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट के लिए तो मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी है। मेरे यहाँ पे हरी मिर्च ही ज़्यादा खाई जाती है। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के घुमा के और वो भी डाल दिया है। और अब ये देखो कलर वाली मिर्ची जिसकी कि मैं बात कर रही थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने थोड़ी सी। इससे सब्ज़ी में ना रंगत अच्छी आ जाती है। वैसे तो खैर टमाटर भी खूब बढ़िया आ रहे हैं इस टाइम पर, काफ़ी अच्छी बनती है सब्ज़ी। और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है सेंधा नमक। अगर आप सेंधा नमक नहीं यूज़ करते हैं तो जो भी नमक आप खाते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाकी जो भी मसाले आप चाहो। ग्रेवी जो है ना अपनी बनके बस ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई है। अपनी तरफ से सारा काम कर दिया है और मैंने इधर देखो जब तक ना सारे के सारे बर्तन भी साफ कर दिए पीछे सब्जी बनते बनते। अब चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी। तो जी अब लगभग 5-7 मिनट के बाद अपना मसाला चेक करने के लिए मैं आ गई हूँ। और ये देखो आप मसाला खूब अच्छे से खोल रहा है, टमाटर प्याज सारी चीज़ें जो हैं पक चुकी हैं। आप यहाँ पे चाहो तो इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हो, बट मुझे जो है ना आज इसमें थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि मीठापन नहीं देना है, थोड़ा सा तीखापन वाली सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है तो वही मैं रखूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। और आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी इस सब्ज़ी को रख दोगे ना तो भी ये बहुत सारा पानी पी जाती हैं जो चाप है वो, तो इसलिए आपको जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए ना, फाइनल जितनी ग्रेवी चाहिए उससे ज़्यादा पतली जो है ना आपको ये सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो अभी आपको इस सब्ज़ी में पानी पानी दिख रहा होगा, जब आप इसको उठा के रख दोगे ना और खाना खाते टाइम जब आप इसका कवर हटा के जो इसकी लिड होगी वो हटा के देखोगे तो आपको एकदम सूखी हुई सब्ज़ी मिलेगी, ऐसा सीन होता है इसका। तो पानी की क्वांटिटी आपको इसमें मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तभी जो है ना फाइनल इसके जो ग्रेवी होगी वो अच्छे से आप देखना कि मतलब थिक हुई मिलेगी आपको। अब यहाँ पर जब पानी में थोड़ा उबाल आ गया ना तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और चाप डाल दी है। और ये देखो आप अभी आपको हल्की सी लिक्विड लग रही होगी लेकिन ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। एक इसमें हम उबाल दिलवा देंगे और बस सब्जी जो है ना ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। लेकिन मेरा फेवरेट एक दो चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी रहती हैं। अगर आप गरम मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप इस टाइम पे यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं गर्मियों में अवॉइड ही करती हूँ, गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है बटर, अगर आप चाहो तो बटर डाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो तो उस टाइम पर जब मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा मलाई ऐड कर सकते हो। अगर अमूल क्रीम डालना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है, अगर आप घर की मलाई डालना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। और बटर डालने के बाद अब इसके ऊपर से मैं डालूंगी अपना फेवरेट हरा धनिया जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। हर सब्ज़ी में मुझे उसका टेस्ट जो है ना निराला ही लगता है, उसके बिना मतलब सब्ज़ी मेरी अधूरी सी रहती है। तो हरा धनिया डालने के बाद ये है अपनी सब्ज़ी की फाइनल लुक और सब्ज़ी एकदम बढ़िया बनके बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। और आज के ब्लॉग में मैंने सिर्फ आपको चाप की रेसिपी बताई, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में डालती ना 2-3 मिनट की सिर्फ रेसिपी डालती तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने डिटेल में बना दी है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स सर्कल में। मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट नई वीडियो में। बाय बाय।